बाघ बना लघु पुंगनुर गाय का बच्चा। जंगल में एक गाय का झुंड रहता था। उस झुंड में रमा नाम की एक गाय थी। वो एक पुंगनुर गाय थी। उसका कद बाकी गायों से बहुत ही छोटा था। इस वजह से बाकी के गाय उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थी और हमेशा उससे दूर ही रहती थी। कुछ ही दिनों में गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। जंगल के पेड़ सूखने लगते हैं। कुछ पेड़ों पर पत्तियां तो थी पर वो काफी ऊपर थी। रमा का कद छोटा होने की वजह से उसका मुंह पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब रमा बाकी गायों से मदद मांगती है। सुनो, मेरी मदद करो, मुझे भी खाने के लिए कुछ पत्तियां दो। देखो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अरे भूखी रहे या मर जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, समझी? जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई मनुष्य कही की, और अब भूख भूख करके हमें भी खाने का इरादा है क्या? बेचारी रमा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साये से भी दूर रहते हैं, फिर मैं भी क्यों इनके साथ रहूं? नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ। इस तरह रमा वो झुंड छोड़कर दूसरे जंगल जाने का सोचती है। वो दूसरे दिन ही किसी को कुछ ना बताकर पास वाले जंगल जाती है। उस जंगल में एक बाघ का बच्चा रहता था। वो बहुत ही मासूम था पर उस जंगल के जानवर उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ की वजह से सभी जंगल के जानवर उससे नफरत करते थे। उस दिन बाघ बच्चों के साथ खेलने जाता है, तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और वो बाघ को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ बाघ, यहाँ क्या कर रहा है तू? देखो, तुझे कितने बार समझाया है कि बच्चों से दूर रहा कर, पर तू समझता ही नहीं। लोमड़ी मासी, मुझे खेलने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे खेलने दो ना। हाँ हाँ हाँ, पहले खेलेगा और फिर अपनी माँ के जैसे बच्चों को ही मार डालेगा। देख, मुझे तुम्हारी नीयत पता है, जैसी माँ वैसा बेटा। इस तरह कुछ भी भला बुरा कहकर लोमड़ी बाघ को वहाँ से भगा देती है। दरअसल बाघ की माँ बाघिन बड़ी ही क्रूर थी। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। उसने जंगल में दहशत मचा कर रखी थी। पर जब वो माँ बन गई और बाघ को जन्म दी, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बाकी के जानवर बाघ को उसकी माँ के जैसे ही समझने लगे। कोई मुझसे बात नहीं करता, सारे मुझे दुष्ट समझते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। काश मेरी माँ जिंदा होती। बाघ रोते रहता है कि तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो झाड़ी में छुप जाता है। वो परछाई रमा की थी। रमा ने बाघ के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो वहाँ आई। कौन है वहाँ? तुम कौन हो और इतना क्यों रो रहे हो? देखो, बाहर आ जा, मैं कुछ नहीं करूँगी। रमा की आवाज सुनकर बाघ झाड़ियों से बाहर आता है। उसे देखकर रमा को दया आती है। बाघ को पास में लेकर वो कहती है, रो मत बेटा, क्या हुआ, भूख लगी है क्या तुम्हें? बाघ चुपचाप खड़ा रहता है, पर रमा समझ जाती है। आज पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात किया है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। रमा बाघ से उसके माँ के बारे में पूछती है। तब बाघ सारी सच्चाई उसे बता देता है। तब रमा को उसका गम और बाघ का गम एक जैसा ही लगता है। बेटा, आज से खुद को अकेला मत समझो, कोई कुछ भी कहे उसकी तरफ ध्यान मत देना। ये दुनिया बहुत ही जालिम है, पर हमें हर मुसीबत से डट कर सामना करना होगा। आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और सबका मुंह बंद कर दूंगी। रमा बाघ को अपना बेटा बना लेती है। बाघ रमा को माँ मानने लगता है और उसके साथ खुशी से रहने लगता है। रमा को बाघ के रूप में बेटा मिल जाता है, जिसकी वो अच्छे से देखभाल करती है। रमा और बाघ दोनों भी एक साथ जंगल घूमते रहते। तभी लोमड़ी उन दोनों को देख लेती है। मुझे तो लगा था कि मेरी जली खोटी बातें सुनकर बाघ ने जान दी होगी, पर ये तो जिंदा है। ये बाघ कम था कि अब ये गाय भी आ गई जंगल में। ये दोनों मिलकर जंगल को नरक बना देंगे। लोमड़ी रमा और बाघ को जंगल के लिए मनहूस समझती है। लोमड़ी उन दोनों के बारे में जंगल में अफवाह फैलाती है। सारे जानवर मिलकर उन दोनों को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। सारे जानवर रमा और बाघ को घेर लेते हैं। तभी बंदर कहता है,
अरे ओ गाय, तू हमारे जंगल नहीं रह सकती, चली जा यहाँ से। और हाँ, इस बाघ को भी लेकर जा अपने साथ, नहीं तो हम सारे तुम दोनों को जान से मार देंगे। खबरदार, अगर मुझे या मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुम सब दिमाग से बीमार हो चुके हो। अरे इसकी माँ अगर क्रूर थी तो इसमें बेचारे इस बच्चे का क्या दोष। और हाँ, मेरी कद अगर छोटी है तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? देखो, आज तक सब सहन कर लिया पर आज नहीं। इस जंगल में सबको रहने का अधिकार है और वो तुम हमसे छीन नहीं सकते। अरे तू और तेरी बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं सुननी, हमें बाघ से खतरा है बस। ऐसा मत कीजिए, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भक्षक नहीं बनेगा, बल्कि वो आप सबका रक्षक बनेगा। मुझे बस एक मौका दो, मैं आप सबको गलत साबित कर दूंगी। रमा की बात सुनकर सारे जानवर उस पर भरोसा रखते हैं, पर लोमड़ी तो गुस्से में ही रहती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। बाघ अब बड़ा हो चुका था, पर उसने कभी किसी मासूम जानवर को मारा नहीं था। तभी एक बार लोमड़ी ही हिरन के बच्चे का शिकार कर रही थी, तब बाघ उसे देख लेता है और उस बच्चे को बचाता है और लोमड़ी को जंगल से भगा देता है। तब रमा कहती है, देखा आप सब लोगों ने, मेरा बेटा कितना अच्छा है। आप सब ने इसे ताने मारे, पर देखो आज इसने आपके बच्चे की जान बचाई। मेरी परवरिश में कोई खोट नहीं है। और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं। जिस रमा को उसकी कद के लिए बोला जाता था, आज उसे मान सम्मान मिलने लगता है। बाघ अब सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हुए खुशी से रहने लगता है। नीति, कभी भी किसी को उसके कद से नहीं बल्कि उसके विचारों से जानना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।